सदर थाना क्षेत्र के रामगढ़ झूठा गांव में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की जानकारी के मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। सोमवार सुबह मोर्चरी पहुंचे मसूदा डिप्टी ईश्वर यादव ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार करवा कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। प्रकरण में सदर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में विवाहिता के भी हर पक्ष के लोगों ने विवाहिता की हत्या कर मामले को आत्महत्या का बताने का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने मृतका के ससुर पर भी बदनीयति रखने तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मसूदा डिप्टी ईश्वर यादव ने बताया कि रविवार शाम सदर थाना क्षेत्र के रामगढ़ झूठा गांव में रविवार शाम को 22 वर्षीय पूजा पत्नी करण सिंह रावत की संदिग्ध अवस्था में मौत की जानकारी मिली थी। जानकारी पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय पहुंचाया। सोमवार सुबह मृतका के ससुराल तथा पीहर पक्ष के उमर बावड़ी निवासी सदस्य मोर्चरी पहुंचे। इस दौरान पीहर पक्ष के लोगों ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें पूजा के ससुर प्रभु सिंह पर पूजा पर बदनीयति रखने तथा पूर्व में उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर मृतका के ताऊजी सज्जन सिंह ने बताया कि रविवार को पूजा का पति काम पर था तथा उसकी सास खेत पर चली गई। इस दौरान पूजा घर पर अकेली ही थी। सज्जन सिंह ने बताया कि इस दौरान पूजा की मां ने उसे फोन किया तो उसने बताया कि अभी वह घर पर है तथा घर पर केवल उसका ससुर प्रभु सिंह ही है। बात करते हुए पूजा ने उसकी माँ को बताया कि उसका ससुर उसके कमरे की ओर आ रहा है, इसीलिए वह बाद में बात करेगी। सज्जन सिंह ने बताया कि इतनी बात के बाद पुनः पूजा को नहीं आया और उन्हें जानकारी मिली कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बाबत जब पूजा के ससुराल पक्ष के लोगों ने बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूजा ने आत्महत्या कर ली है, जबकि कमरे में पंखे का कुंदा नहीं है। ससुराल वालों ने बताया कि पूजा ने खिड़की पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। सज्जन सिंह ने बताया कि यह बात उनके गले नहीं उतर रही है। उसने बताया कि शादी के बाद से ही उसका ससुर उस पर गलत नियत रखता था और उसके साथ छेड़छाड़ भी करता था। इसकी शिकायत पूजा ने पहले परिवार की महिलाओं से भी की थी। परिवजनों ने मृतका के परिजनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर मामले की सच्चाई उजागर करने तथा मृतका को न्याय दिलाने की मांग की है। इस दौरान मोर्चरी में रखी बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित थे। पता चला कि भाई पूजा की डेथ हो गई तो मैंने पहले फोन किया, पता किया भाई क्या बात हुई। फिर मेरे को हमारे बीच के पावना थे ना जगदीश सिंह, उससे बात की मैंने। उन्होंने बोला पूजा की मृत्यु हो गई। मैंने कहा भाई कारण क्या हुआ, कि ये तो मेरे को मालूम नहीं है। और फिर बाद में सवाई सिंह लगेज खेड़ा से बात हुई मेरी, वो उसके रिश्ते में कोई रिश्तेदारी लगती है उसके ससुराल पक्ष वालों के, तो उससे पूछा तो बोले कि मैंने कहा भाई मर तो गई। मैंने कहा तो मरी कैसे, मरी क्या, उसने फांसी खा के आत्महत्या कर दी। मैंने कहा तो फांसी कहाँ खाई, बोले खिड़की पे खाई। तो अब खिड़की पे ऐसा कोई नहीं थी, कोई मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है खिड़की पे कैसे फांसी खाए। और फिर जब बच्ची की माँ मेरे छोटे भाई की औरत है, उसने मेरे को बताया कि इसकी नीयत खराब थी और ये पहले भी ऐसा कहे, वो हमारे को तो बताया नहीं, उसकी भाभी और उसकी माँ को बच्ची ने बताया है कि ससुर की नीयत खराब है। और इससे शक पूरा जाहिर होता है कि चार बजे लगभग उसकी बच्ची की माँ से बात की बच्ची ने, और 5 बजे लगभग ये घटना हुई। तो आधे घंटे में सुसाइड करने का कोई कारण नहीं बनता। और इस भी इतनी सी बीच में हमारा पावना जो है वो उसके धंधे पे था, घर पे कोई नहीं था, और पूजा ने फोन में ये बताया था उसकी माँ को कि मैं घर पे अकेली हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मेरा ससुर है घर पे और कोई नहीं है, ये बात मेरी छोटे भाई की बहू ने बताई। तो हमारे को शंका है कि कहीं ना कहीं ससुर ने उसके साथ में गलत हरकतें की और उसकी वजह से ही यह कारण हुआ है, या उसने प्रतिकार किया होगा या बोला होगा मैं मेरी माँ को बाप को तो बचाऊंगी, तो उसने उस साक्ष्य मिटाने या उसको छुपाने के चक्कर में इसने कहीं गला दबा दिया, ये मेरा पूरा डाउट है। ये पूजा डॉटर ऑफ कल्याण सिंह है, ये रहने वाली उम्र बावड़ी की है, पीर इसका उम्र बावड़ी में है, ससुराल रामगढ़ झूठा में है, सदर थाना में जो गाँव पड़ता है। इसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और इसका अभी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने रिपोर्ट दी है।
304 बी में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। खुशी केक एंड पेस्ट्री, आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ, साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहंत कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।